सुशांत सिंह राजपूत हादसे के बाद मॉर्चरी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री पर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी तरह का किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के अगले दिन रिया चक्रवर्ती शांत की बॉडी देखने के लिए मॉर्चरी गई थी और वहां पर 40 मिनट तक रही। कूपर हॉस्पिटल में रिया चक्रवर्ती की मौजूदगी पर सवाल उठाए गए थे कि आखिर वो किसकी इजाजत से 40 मिनट तक मॉर्चरी में रही। इस मामले पर फैसला देते हुए महाराष्ट्र सरकार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि रिया चक्रवर्ती के मॉर्चरी में दाखिल होने पर कमीशन का कहना है कि कूपर हॉस्पिटल या मुंबई पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का नियम का उल्लंघन नहीं किया गया, लेकिन खबरों की माने तो रिया चक्रवर्ती के कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी में दाखिल होने के मुद्दे पर सरुजीत राठौर से बात की गई थी, जिसने कहा था कि उस दिन रिया मॉर्चरी के भीतर उसी के साथ गई थी। सुरजीत राठौर ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि कूपर हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें रिया को दाखिल होने की इजाज़त दी थी और रिया चक्रवर्ती के मॉर्चरी में जाने के मामले पर मानव अधिकार आयोग के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर पुलिस और कूपर हॉस्पिटल को क्लीन चिट महाराष्ट्र सरकार कैसे दे सकती है? दरअसल आयोग ने अपनी ही रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ ने मॉर्चरी के जाने अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं दी और ना ही मॉर्चरी के अंदर कोई गया, जबकि सुरजीत अभी भी अपनी इस बात पर अटल है, कायम है, जिसने पुलिस से यह कहा है कि हॉस्पिटल स्टाफ की इजाज़त मिलने के बाद ही रिया को मॉर्चरी के अंदर जाने की इजाज़त मिली। तो ये है पूरी खबर, जहां पर एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार के आयोग मानवाधिकार पर उठ रहे हैं सवाल कि आखिर वो क्यों इतना साथ रिया का दे रही है। नेक्स्ट एनआईएफ रश्मि की रिपोर्ट।